अब खबर रिया बरी से। रिया बरी मामले को लेकर रिया बरी कस्बे चौथे दिन भी पूर्णतया बंद रहा। रिया बरी सहित ग्राम आलनिया वास, जस नगर, रोहिसा, रोहिसर ग्राम भी लव जिहाद की घटना के विरोध में बाजार बंद कर दिया। नागौर डीएम और एसपी को मौके पर बुलाने की मांग की गई। जेतारन विधायक अविनाश गहलोत, एएसपी नागौर राजेश मीना, सीओ नंदलाल सैनी ने घटना स्थल पर जाकर ग्रामीणों से वार्ता किया, लेकिन वार्ता विफल रही। विवाहिता को भगा ले जाने का मामला दर्ज हुआ था पांडीकुला थाने में। आरोपी अलाउद्दीन कुरैशी खिलाफ दर्ज हुआ था यह मामला 6 दिन पहले। 6 दिन बाद भी पुलिस के हाथ आरोपी नहीं आया है। मामले में तुरंत कार्रवाई की गई है। डेगाना सिटी डेगाना डिप्टी नंदलाल सैनी के सुपरविजन में फ्लैग मार्च निकाला गया। साथ ही संपूर्ण शांति व्यवस्था के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस व आरएसी के जवान मौजूद है। साथ ही आला अधिकारी संपूर्ण मामले को लेकर नजर बनाए हुए हैं। गाड़ी बड़ा अलग दिख रही है। क्या कार्रवाई है? देखो, हमारे रियामड़ी से एक 20 साल लगभग 20 साल की विवाहितों को एक मुस्लिम धर्म विशेष का लोग उसको बेला फुसला कर भगा कर ले गए हैं। और ये 7 तारीख की घटना है। पिछले 4 दिनों से हम धरने पर बैठे हैं और ये अनिश्चितकालीन धरना है। जब तक हमारी बच्ची बरामद नहीं होगी, आरोपियों को गिरफ्तारी नहीं होगी, तब तक ये धरना प्रदर्शन नहीं हटेगा यहाँ से। सर, कल अविनाश जी भाई साहब आए थे तो उन्होंने आपको क्या सजेशन दिया? अविनाश जी भाई साहब ने हमारे सामने इस धरना स्थल पर एसपी साहब से बात की। एसपी साहब ने एडिशनल एसपी साहब से बात की और वो मौके पर भी आए थे और उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रशासन पूरी कार्रवाई कर रहा है। तो हमने भी उनको आश्वासन दिया कि हमारी ओर से आपको कोई परेशानी नहीं होगी, हम भी प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं। शांतिपूर्ण धरना पर बैठे प्रशासन से वही तो बात हुई। प्रशासन ने बोला कि हम आपकी कार्रवाई कर रहे हैं, टाइम भी दिया था 7 दिन का। और फिर हमने बोला अगर